अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए मटन कढ़ाई। उसके लिए मैंने ले लिया जी 1.5 kg जो है मटन ले लिया है, 1.5 किलो, और आधा किलो टमाटरों की प्यूरी ले ली है, 2 बड़े प्याज लेके उनको बारीक काट लिया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 कप दही, ये हरा धनिया बारीक कटी जो है, थोड़ी मोटी मोटी कटी जो है, हरी मिर्च ले ली है, सूखी मेथी ली है, ये मैंने लिया गरम मसाला, 1 कप ऑयल, और जो मसाले जाएंगे वो है जी नमक मैंने लिया है 2 टीस्पून, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1.5 जो है रेड चिली पाउडर ले लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ले ली है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, ये 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है पिसी हुई, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया लिया है, और ये थोड़ा सा कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। ये जो ये पाउडर है धनिया पाउडर, ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है, और ये 1 कप जो है दही जाएगा। अब इसको हम पकाना शुरू करते हैं जी। अब मैं इसको पहले प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ, साथ इसमें हम पानी डाल देंगे, इसको हम आधा पका लेंगे, 7-8 मिनट तक कुकर लगा के इसको हम पका लेंगे जी। ये देखें मैंने इसमें ये पानी डाल दिया, अब मैं प्रेशर कुकर 7-8 मिनट के लिए चला लूंगी। ये मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया है, इसमें मैंने कोई भी मसाला नहीं डाला, नमक भी नहीं डाला, बस इसको मैं 7-8 मिनट प्रेशर कुकर चला के तो इसको आधा गला लूंगी। ये देखें जी, अब ये आधा गल जाए फिर हम इसको बनाते हैं। एक साइड पे हम ऐसा करते हैं कि हम प्याज को ब्राउन करते हैं उतनी देर। ये ऑयल डालें सबसे पहले और साथ ही प्याज डाल देंगे। अब प्याज को हम ब्राउन करेंगे, मीडियम ब्राउन। ये मैंने बड़े साइज की 2 प्याज ली हैं। बाज़ लोग कढ़ाई में प्याज नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ इसलिए क्योंकि ज़रा ग्रेवी ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि बोटी के साथ तो रोटी नहीं खाई जा सकती ना, ज़्यादा ग्रेवी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा ग्रेवी को पसंद करते हैं, कहते हैं कि बाइट जो है वो आप ग्रेवी के साथ खा सकते हैं, आप ऐसे बोटी के साथ नहीं खा सकते, इसलिए मैं प्याज डालती हूँ ताकि ग्रेवी ज़्यादा बने। गोश्त तो मैंने आधा गला लिया और अब प्याज को ब्राउन कर रही हूँ, बस प्याज ब्राउन होती है तो इसमें दूसरी चीज़ें डालते हैं। ये देखें जी, प्याज जो है ब्राउन हो रही है, स्टार्ट हो गई है ब्राउन होना, थोड़ी सी और ब्राउन हो जाए फिर इसमें हम गोश्त डालें। गोश्त मैंने गला लिया, साइड पे निकाल लिया उसको प्रेशर कुकर में से, वो भी डालते हैं, थोड़ी सी और ब्राउन हो जाए फिर इसमें हम गोश्त डालें जी। ये देखें मीडियम ब्राउन हो चुकी है प्याज, अब मैं इसमें ये गोश्त डाल रही हूँ, इसको 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे जी। ये मैंने गोश्त को 2-3 मिनट तक फ्राई कर लिया, ये साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। ये देखें अब इसको 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे, फिर इसमें हम बाकी मसाला डाल देंगे, सारे मसाले इसमें फ्राई करेंगे जी। 1-2 मिनट मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो डाल के इसको भून दिया। अब ये मैं टमाटो प्यूरी, जो मैंने 1/2 kg टमाटर लिए थे उसकी टमाटो प्यूरी बना ली, और साथ में इसमें ये सारे मसाले जाएंगे जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे, कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, ये पिसा सूखा धनिया, और 2 टीस्पून जो है वो नमक, ये सब मैं इसमें डाल के और साथ ही इसमें मैं ज़रा चूल्हा बंद करके साथ ही इसमें मैं ये दही भी ऐड करती हूँ, क्योंकि ये गोश्त बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाएगा गलने में, क्योंकि ये आधा गला हुआ है। चलो इसको मिक्स करके तो हम इसको अब ढक के पकने के लिए रखें जी। ये मैं साथ वो यखनी डाल रही हूँ जिस पानी में हमने गोश्त को गलाया था, ये उसमें से बच गया था तो ये मैं उसमें डाल दिया, इसमें सारा गोश्त का टेस्ट है। चलें
अब इसको हम 15-20 मिनट पकाएंगे जी। ये हमने ढक दी है, बस इसको अब पकने देते हैं जी। ये इसको चेक कर लेते हैं अभी, ये बस तैयार होने वाली है। ये देखें इसकी ग्रेवी कितनी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मैंने इसमें प्याज डाला, इससे इसकी ग्रेवी ज़्यादा हो गई। चलो अब बस थोड़ी सी देर और वेट करते हैं, थोड़ी सी और पकते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये देखें ऑयल निकलने शुरू हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये सब्ज मिर्चें, थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं, और ये 1 टीस्पून गरम मसाला, और 1.5 टीस्पून मैंने सूखी मेथी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके हल्की आंच पे हम 3-4 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए, और साथ ये धनिया भी डाल देते हैं। धनिया भी थोड़ा गार्निशिंग के लिए मैंने रखी है ये जी। ये तकरीबन अब पक चुकी है, अभी डिश आउट करके दिखाऊंगी आप। अभी मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख रही हूँ 2-3 मिनट के लिए, ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए, और इसको ऊपर से ढक दें। चलें जी, ये देखें जी, ये इसका ऑयल आ चुका है, कितनी अच्छी शक्ल लग रही है इसकी। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, अब ये जो धनिया मैंने रखा था वो इसके ऊपर डाल देते हैं, ताकि इसकी लुक बहुत अच्छी हो जाए। ये लें जी, ये हमारी मटन कढ़ाई तैयार है। आप इसको खाएं, बनाएं और खाएं, एंजॉय करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।